नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फाइनली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से मुकाबला हराकर फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन भारत की ये जीत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पच नहीं रही है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बयान आए थे भारत को लेकर, जहां कहा जा रहा था कि भारतीय टीम बेईमानी कर रही है, पिच बदली जा रही है, बॉल बदली जा रही है। लेकिन इस बार भारतीय टीम के लिए, भारतीय कप्तान के लिए, टॉस के लिए अब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने ऐसी बात कह दी है जो किसी के गले से नहीं उतर रही है। और सभी ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा नशा करके बैठते हो, आप जर्नलिस्ट कैसे बन जाते हो, एक्स क्रिकेटर कैसे बन जाते हो। यानी कि तमाम मूल जुलूल जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए आ रहे हैं और ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर की तरफ से कहा गया था कि भारत को जो गेंद मिल रही है वो दूसरी बॉल है जिसमें लेयर ज्यादा है। एक तरफ कहा गया था कि उसमें डिवाइस लगा हुआ जो ज्यादा स्विंग करती है। लेकिन अब जो बयान दिया गया है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सिकंदर बख्त नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि जो रोहित शर्मा टॉस उछालते हैं तो वहां पर बेईमानी हो रही है। रोहित शर्मा जब टॉस उछालते हैं तो वो टॉस जो है वो ज्यादा दूर गिरता जाकर अपोनेंट देखता नहीं है, उसके बाद वहां पर बेईमानी हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि टॉस के समय बेईमानी करना, क्योंकि भारत ने 5 बार टॉस जीता है, इससे पहले इंग्लैंड ने लगातार 7 बार टॉस जीता था। तो क्या ये संभव है कि टॉस के समय बेईमानी कर सकता है कोई भी खिलाड़ी या कोई भी जो टीम है वो बेईमानी कर सकती है? ये संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान, पता नहीं कौन सा नशा, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं टीवी पर और ऐसी बातें करते हैं जिसमें उनकी तो मतलब बेइज्जती होती ही है, साथ साथ में पूरे पाकिस्तान को सुनना पड़ता है। और यही कहा था अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर बैठकर बसीम अकरम है, जो कि एक दिग्गज मतलब गेंदबाज हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि भाई आप ऐसे बयान मत दीजिए जिससे आपकी तो बेइज्जती होती ही है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लीजिए। हम दुनिया भर में जाते हैं, कमेंट्री करते हैं, हमको इस तरीके से बातें जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। और लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी बयानबाजी आ रही है तो हम उनको क्या जवाब दें, मतलब हमारे पास जवाब नहीं होते हैं कहने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप लोग मानते ही नहीं है, और दोस्तों लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसे बयान आते हैं कि वो किसी के गले से उतरते नहीं। इससे पहले एक क्रिकेटर ने कहा था कि बॉल बदली जा रही है, कोई कह रहा था कि पिच बदल दी जाती है, कोई कह रहा कि भारत जो है वो अलग गेंद से गेंदबाजी कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मतलब भड़ास बड़ी पड़ी है वो निकालने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और क्योंकि भारत की जो जीत है वो पाकिस्तानियों से पच नहीं रही है, क्योंकि हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो सोच वो इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे जो भारत है वो फाइनल मुकाबले में पहुंच गया। और अभी तक जो भारत की इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है, जबरदस्त है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बहुत ही शानदार कल भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। पहले 397 रन जड़े और उसके बाद रोक दिया 327 रन पर और 70 रन से वो मुकाबला जीता, जिसके बाद पाकिस्तानी जो है वो जीत जो है भारत की वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे थे कि भारतीय टीम इस मुकाबले में हारेगी और वो जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप क्या सोचते हैं सिकंदर बख्त के इस बयान को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।